अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अहमद। अहमद क्या करते हो? इंजॉय करते हैं। क्या इंजॉय करते हो? जिस तरह का भी मिल जाए, जो मुफ्त में मिल जाए वो वाला इंजॉय करते हैं। यार मतलब कौन सा मुफ्त में मिलता है इंजॉय? हर एक इंजॉय मिलता है, बस थोड़ा सा बंदे को बोलना आना चाहिए, रैपो बनानी चाहिए, बस बकाया सारा इंजॉय मुफ्त में मिलते हैं। अभी इधर भी खड़े हैं, मुफ्त में खड़े हैं, अभी दोस्त गए हैं, कोई कॉफी शॉफी चाय चुई लेंगे, बस ठीक है। ऐसा कौन सा इंजॉय यार तुम्हें मुफ्त में मिल जाता है, हमें तो नहीं मिलता। आप मेरे साथ रहे ना। क्या तुम्हारे साथ क्यों रो मैं? जब एंजॉय करना तो फिर मेरे साथ नहीं, ऐसा नहीं, मैं वैसे जिंदगी बहुत एंजॉय कर रही हूं अपनी, तुम टेंशन ना लो इस बात की, तुम टेंशन ना लो। फिर मुझे आपने पूछा ही क्यों, जब एंजॉय क्यों मेरे साथ करना, आप आए ना, आपको भी एंजॉय कराएंगे। ऐसा कौन सा एंजॉय है जो तुम्हारे साथ होगा? मैं दो वाला चूरन खाता हूं बड़े करके, आपको भी खिलाएंगे। आए चूरन खाते हो, कंजूस इंसान हो तुम। आपको पसंद नहीं है? नहीं बिल्कुल, जाने दो। क्या जाने दो, ये तो किसको नहीं पसंद होता है चूरन। मुझे नहीं पसंद ना, मेरा गला खराब हो जाता है, वैसे भी सर्दियां और वैसे भी नहीं खाना चाहिए। तो दो घूट मार, बीमार होना अलग बात है, गले का भी इलाज है हमारे पास। क्या इलाज है? दो घूट मारने सही हो जाएंगे। क्या 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 दो घूट? आपको नहीं पता? नहीं, बाबू राव वाले दो घूट मारे, आप भी फ्रेश हो जाएंगे, गला आपका लता मंगेशकर जैसा हो जाएगा, आपके राग लगेंगे बड़े आला क्लास के। अच्छा मेरे सवाल का जवाब दो, वो कौन सी औरत है जिसे पता होता उसका शोहर कहाँ पर है? वो सारी औरतें हैं मेरी नजर में जिन्हें पता होता शोहर कहाँ। आप तो थोड़े देर और गुजरने दें, ये 2021 है, 22, 23, 24 में ट्रैकर लग जाने हर बंदे के पीछे, ठीक हो गया। अब तुम्हारे पीछे भी लगेगा, 2-4 साल बाद तुम्हारे पीछे भी एक बीवी होगी। अगर आप जैसी मिल जाए ना तो मैं क्या ही बात करूं, आप जैसे मिल जाए कभी ट्रैकर ही ना लगाएं, हम तो खुद ही ना जाएं कहीं बाहर ट्रैकर की शक का मौका ही ना दें आप। यार ये कुछ ज्यादा तुम शौके नहीं हो रहे हो? ये तो चलना करना पड़ता है ना, आपको पता है, फिर इसी तरह तो चलता है आगे, इसी तरह 5 लड़कियां पहले फंसाई हैं, 6वीं हो जाएंगी। मैं तो फंसने वाली तुमसे, ये तुम भूल जाओ। ये पांचों ने भी कहा था, ये पांचों ने भी कहा था कि मैं नहीं फंसने वाली, वो भी फंस गई है, कोई मसला नहीं, आप भी आएंगे, 2 मिनट सब्र करेंगे। मैं नहीं आती, चलो अभी जवाब है तुम्हें नहीं। ये उन्होंने ही कहा था कि ऐसा कोई सीन नहीं है इधर, सारे जवाब मेरे वाले उन्होंने कहे थे तुम्हें, क्योंकि यही मैं आगे और कुछ बोलूंगी आगे से। आप भी तो लड़कियां, वो भी लड़कियां थी, उन्होंने भी यही जवाब दिए। चले मुझे ये बताएं कि मर्द अपनी सैलरी और औरत अपनी उम्र क्यों छुपाती है? क्योंकि दोनों बड़ी डरावनी होती है, ठीक हो गया। बताता हूँ मैं आपको, हमारे खानदान में एक है अंकल, ठीक हो गया, वो अपनी सैलरी कभी भी नहीं बताते, मुफलसी का रोना धोते रहते थे हमारे, ठीक है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। नहीं हाँ मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर जब चोरी हुई उनके घर से तो फिर सब कुछ उन्हीं के पास था, बल्कि हमारे पास कुछ नहीं था उनकी निस्बत इस बारे में। तुमने तो नहीं कर ली थी कहीं? नहीं ये बात नहीं, मेरा इरादा उनकी छोटी बेटी चुराने का। कितनी लड़कियां फंसाओगे तुम? यार जब तक हिम्मत है ना तब तक करते रहना, मैंने ये किसी को नहीं कवारा छोड़ना। पाकिस्तान में वैसे ही बड़ी शराय औरतों की, ठीक हो गया, मैं नहीं चाहता किसी का भी दिल टूटे, 4 या 5 शादियां करना चाहता हूँ मैं, ठीक है, बाकी ये देखा जाएगा। मेरे ख्याल में इस्लाम में 4 शादियां अलाउ है और तुम 5वीं करने का सोच रहे हो? लेंगे, चलें 4 कर लेंगे, 4 एक तो संभाल लो। मैं 1 4 कर लेंगे, कोई नहीं होता, पता मैं 5 कैसे करता? कैसे? वो फिर जब एक मेरे से थक जाएगी फिर उसको छोड़ के 5 कर लेंगे, ठीक हो गया। लेकिन आप टेंशन लें, आपका नंबर 6वां है। आपको बड़े चित्र बनने वाले हैं बेटा। शुक्रिया बात करके, अच्छा लगा। कोई बात नहीं, हमें भी अच्छा लगा।